नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी, आज की जो रेसिपी है वो है दल पूरी, जो बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह फेमस है। और इसकी मैं क्या बात बताऊँ रेसिपी के बारे में, ये बहुत ही शुभ रेसिपी है। और जब भी हमारे घर यूपी, बिहार, झारखंड में या कहीं पे भी जहाँ पे हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, वो जब उनके घर बहू आती है, पहली बार बहू घर पे आती है, तो ये रेसिपी जरूर दल पूड़ी बनाते हैं वो। या फिर जब आपकी बेटी पहली बार मायके आती है शादी के बाद, तो तब भी ये दल पूड़ी बनाते हैं ये लोग। तो खुशी मनाने का एक शुभ कार्य पे ये जरूर दल पूड़ी हमारे यहाँ बनता है। तो ये दल पूड़ी कैसे बनता है और इसकी रेसिपी आज आप सबके साथ में शेयर करूंगी। और आज के दिन भी बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और बहुत ही शुभ दिन है, आप सभी जानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज आपके साथ दल पूड़ी की जो है, दाल पूड़ी की रेसिपी जो है, दल पूड़ी बोलिए या दाल पूड़ी बोलिए, रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप चना डाल लिया है, उसको मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में डाल लिया। और यहाँ पे 1 गिलास जो है हम पानी डालेंगे, 1 गिलास और पानी लेंगे, 1 गिलास और पानी लेंगे। दल पूड़ी ऐसा है कि ये शुभ कार्यों पे एक्चुअली बहुत बनाते हैं लोग, और ऐसे भी बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 1 हाफ टी स्पून नमक है वो डालेंगे, हल्दी 1/2 टी स्पून वो डालेंगे। और इसे जो है हम 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम में 4 से 5 सीटी तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये चार सीटी हो गया है, तो अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दाल जो है वो कुकर में ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पे देखिए 2 मैंने लाल मिर्च ली है और 8-10 जो है काली मिर्च है, और ये जीरा है, इसको हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पे इसको जो है हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे इसे। फ्रेंड देखिए, ये जो दाल है बिल्कुल पक चुका है अच्छे से, ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, और ये अच्छे से आप दबा के देखेंगे तो ये अच्छे से दब जा रहा है। तो अभी जो है इसे हम एक छलनी में छान लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जो है हमें पूरा अच्छे से इसी तरह बिल्कुल दरदरा जो है इसे पीस लेना है। या आप चाहे तो पोटैटो मैशर्स का भी यूज करके आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें जो कुछ मसाले हैं हम वो डालेंगे। ये जो हमने जीरा, काली मिर्च और सूखी मिर्च का जो रोस्ट करके उसको जो पीस लिया है वो है, वो जाएगा। और एक हरी मिर्च है उसको उसको डालेंगे बिल्कुल बारीक काटते हुए, इसको बीच से काट लेंगे। मिर्च अपने अनुसार ले लें, अगर ज्यादा पसंद नहीं है तो आप नहीं लें। ये अदरक को थोड़ा सा हम घिस लेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो एक और चीज बनता है, इसी तरह से बिल्कुल बनता है, महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है, उसे पुरन पोली बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नमकीन होता है स्टफ, और उनका जो स्टफ होता है, महाराष्ट्र का जो पुरन पोली का स्टफ होता है वो मीठा होता है, लेकिन बनता इसी तरह से है, और वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो भी अपने फेस्टिवल्स में, जिस तरह से हम फेस्टिवल्स में शुभ कार्यों में बनाते हैं, वो भी अपने फेस्टिवल्स में और शुभ कार्यों में पूरन पोली जरूर बनाते हैं। तो आज जो है दाल पूड़ी का ये जो है स्टफ तैयार हो गया। अब जो है हम आगे पूड़ियाँ बनाएंगे इसको स्टफ करके। नमक जो है हमने तो पहले ही दाल में डाले थे बॉइल करते हुए, तो फिर भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक कम हो जाता है इसमें। और ये थोड़ा सा हींग है, आधा चम्मच से कम भी है, पिंच है, तो ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे जो देखिए मैंने पहले से ही जो है 1 कप आटा जो है वो लगा लिया है, बिल्कुल रोटी के जैसा ही आपको डो लगाना है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका। तो अभी जो है हम पूड़ियाँ तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये तेल जो है देख रहे हैं, इसके अंदर तेल जो है गर्म हो चुका है, तो अब जो हम एक एक करके जो इसके अंदर है पूड़ियाँ डालेंगे।
पूरी जो है बिल्कुल फटी नहीं है, कितने अच्छे से ये फूल गया है। फ्रेंड्स ये नाश्ते में या रात को डिनर में कभी भी बहुत ये खाने में टेस्टी लगता है, और इसको हमेशा खीर या सेवई के साथ जरूर सर्व करें, क्योंकि खीर और सेवई के साथ अच्छा लगता है, साथ में सब्जी भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो जो है अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स तो ये देखिए जो है दाल पूड़ी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो इसी तरह दाल पूड़ी आप बना लीजिएगा जरूर, आज ये रेसिपी ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। और ये देखिए मैंने आज खीर भी बना रखी है, और खीर अगर आपको नहीं बनानी आती है या मेरे स्टाइल में अगर आपको खीर बनाना है, तो आप जो खीर की रेसिपी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगी। तो जो यहाँ पे है पूड़ी, दाल पूड़ी तो खीर के साथ ही अच्छा लगता है, खीर के साथ ही सर्व करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे है, हम खीर डाल लेंगे इसके अंदर जी हाँ। तो ये देखिए जो है हमारा आज का जो स्पेशल रेसिपी है, और खास मौके पे, और मैंने सोचा कि ये जरूर आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूं, और इसलिए जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।